बदहाल सरकारी विद्यालय नहीं उत्तम विद्यालय देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मैं हूं डॉली पांडे आपके साथ। आज हम आपको झांसी जनपद के अंतर्गत बंगरा विकास खंड में ग्राम पठाकरका के एक ऐसे सरकारी विद्यालय के बारे में बताएंगे जो सिर्फ नाम का नहीं बल्कि काम का भी विद्यालय है। आपने ऐसे कई स्कूल देखे होंगे जहां टीचर्स कभी समय से नहीं आते हैं, आते हैं तो पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं मिड डे मील में लगातार शिकायतें आती हैं, लेकिन यह एक ऐसा स्कूल है जहां के बच्चे सरकार की किसी भी सुविधाओं से वंचित नहीं है। यहां के अध्यापक अध्यापिका समय से 15 मिनट पहले ही पहुँचाते हैं। इसके अलावा इस विद्यालय में पार्क, पुस्तकालय सहित अन्य व्यवस्था भी है। बच्चे यहाँ के पढ़ाई में किसी प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं से कम नहीं है। देखिएगा हमारे साथ ही आस्था गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। द आजाद आवाज की टीम, जैसे कि आपको बताई है कि झांसी जिले में स्थित ग्राम पठाकरका के विद्यालय पहुंच गई है। आपने अच्छा, आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें तो इसके पहले कई सरकारी स्कूल आपके सामने ऐसे आए होंगे जहां कोई व्यवस्था ही नहीं, जहां का स्कूल का ताला नहीं खुलता, कहीं की कक्षाएँ व्यवस्थित नहीं है, कहीं टीचर एबसेंट हैं, अनुपस्थित हैं। लेकिन आज आजाद आवाज की टीम आपको ऐसी जगह लेकर आई है जहाँ टीचर भी, लेकिन फिर भी आप देखिए कि जो प्रिंसिपल हैं वो यहाँ पर आज भी अवेलेबल हैं, आज भी वो बच्चों को देखने के लिए विद्यालय में आई हुई हैं। स्कूल के अंदर आजाद आवाज की टीम प्रवेश कर चुकी है, अब स्कूल के अंदर जाएगी, बच्चों से, प्रधानाचार्य से, शिक्षक शिक्षिकाओं से भी बात करेगी और दिखाएगी कि क्या व्यवस्था है स्कूल की। उससे पहले हम आपको स्कूल का थोड़ा सा बाहरी जो वातावरण है वो दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से पेड़ पौधे, हरी घास और बाकायदा स्कूल में एंट्री करके साथ ही सामने माँ सरस्वती जी स्थापित की गई हैं, और कि कहते हैं ना कि सरस्वती जी विद्या की देवी होती हैं, तो उनको भी बिल्कुल जस्ट सामने, बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश करेंगे सबसे पहले उनको माँ सरस्वती के दर्शन होंगे। इसके साथ स्कूल की बाहरी जो आपको दिखावट सजावट है इस प्रकार से है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है, सफाई भी काफ़ी नज़र आ रही है, कहीं भी किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। अब हम अंदर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से यहाँ बच्चे, टीचर, सभी लोग उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं स्कूल में जैसे ही हमने प्रवेश किया तो यहाँ पे एक गैलरी टाइप की बनी हुई है बच्चों के लिए, बच्चों के बैठने के लिए। और आप इधर भी देख सकते हैं कितने अच्छे से हर एक विचार, हर एक अच्छी बात लिखी हुई है, साथ में भीमराव अंबेडकर, भारतीय ध्वज, एपीजे अब्दुल कलाम की तस्वीर भी यहाँ बनाई गई है। इसके साथ साथ स्काउट गाइड यानी चिन्ह, और जो विद्यालयों में प्राइवेट स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूलों के सभी में प्रतिज्ञा होती है, कितने अच्छे तरीके से इस प्रतिज्ञा को भी यहाँ पर लिखाया गया है। कक्षा 7 के बाहर हम मौजूद हैं, कक्षा 7 के अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से यहाँ बच्चे बिल्कुल लाइन में कतार में बैठे हुए हैं। देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी गांव में भी अंग्रेजी पढ़ते देख बच्चों को बेहद खुशी हो रही है। विनीत, यहाँ पढ़ाते हो, पढ़ाना रहते हो, क्या पढ़ रहे हो भैया? अभी हमारे यहाँ सिलेक्ट प्रतियोगिता हो रही है अंग्रेजी, इसमें हमने प्रतिभाग किया है तो हम सुलेख कर रहे हैं। राइटिंग कंपटीशन, सुलेख प्रतियोगिता जैसे बोलते हैं, राइटिंग कंपटीशन हो रहा है वो भी इंग्लिश का। हम आपको दिखाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि प्लीज दिखाएं कितना प्यारा इसने लिखा हुआ है। इसकी राइटिंग भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है। सुलेख लिख रहे हैं सारे बच्चे, आपको लिखते हुए नजर आएंगे, टीचर भी यहाँ अवेलेबल है, कितने अच्छे से सर देख रहे हैं कि बच्चे एक कतार में बैठ के अच्छे से सुलेख लिख रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के निवासी हो? पठाके निवासी हो या कहीं और के यहाँ पे पोस्टिंग हुई है? नहीं, यहाँ पे पोस्टिंग है हमारी। पोस्टिंग कहाँ के निवासी हो? जी, यहीं बगल का गांव है जो हमारा चौकड़ी, वहाँ के निवासी। क्या आपका मुख्य विषय है, क्या आप पढ़ाते हैं यहाँ पे? मेरा मुख्य विषय तो यहाँ पे कला है, आर्ट। अच्छा। आर्ट पढ़ाते हैं और समय समय पर प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित करते रहते हैं बच्चों में, जिससे बच्चों में एक कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस आ जाए, गांव में रहके भी बच्चे को अंदर जो एक्टिव बने, एक्टिव बने और बच्चे आगे बढ़ने के लिए का प्रयास करें। सर कैसे स्कूल में इतने ही बच्चे आते हैं, इसके लिए जानना? नहीं नहीं, आज जो है हमारे यहाँ जो हमारा देश जो है एक धार्मिक देश है और इसी आधार पर जो आज हलचट है, इसमें क्या है कि महिलाओं की अवकाश रहता है, सरकार की तरफ से महिलाओं का। जी जी, तो महिलाएं टीचर भी जो है वो उनका भी अवकाश है, बच्चों का भी अवकाश है। जो लड़कियां हैं गर्ल्स उनका भी अवकाश है और महिला अध्यापकों का भी अवकाश है। सबसे अच्छी बात तो यहाँ यह देखने को मिली कि महिलाओं का अवकाश होने के बावजूद भी कई यहाँ पर छात्राएं मौजूद है, कई छोटी छोटी छात्राएं जिनको लगा कि हमारा घर में कोई काम
आखिरी विद्यालय आई हुई है और आप देख सकते हैं कि छात्राओं की छुट्टी है, फिर भी छात्रा आपको काफी मौजूद दिख रही हैं। अपेक्षा करते हैं वो तो इन छात्रों की, लड़कों की, कि थोड़ी सी कम है, लेकिन अच्छी बात है विद्यालय एक क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से बाकायदा टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रतियोगिता हो रही है। कई आपने गांव के स्कूल देखे होंगे, बहुत कम प्रतियोगिताएं या एक्टिविटी वहां पर नहीं होती, लेकिन यहां कायदे से एक्टिविटी हो रही है। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाए पूरी कक्षा में किस प्रकार से लिखा है, सरस्वती महान वेद से भी बढ़कर है, कर्म की कुशलता ही योग्य प्राप्ति है, किस प्रकार से अच्छे से कक्षा को व्यवस्थित किया गया है। इसके बाद इसका ही देखेंगे तो कक्षा 7 की क्लास है और उसमें विज्ञान से रिलेटेड भी काफी चित्र आपको दिखाए गए। कहते हैं ना कि गांव में हर सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसको ध्यान में रखते हुए गांव के बच्चों ने हाथ से कुछ बनाया है और वो भी प्राकृतिक चीजों को लेकर, प्राकृतिक जो पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, वेस्ट पेपर होता है, इसको लेकर और गोंद का प्रयोग करते हैं यहाँ के बच्चे। गोंद को लेकर कितना सुंदर सा, हम कहेंगे कि प्लीज दिखाएं कितना सुंदर सा एक बनाया है, कोई भी त्योहार हो इसको कहीं भी लगा सकते हैं। इसके साथ साथ एक प्रारूपी पुष्प की संरचना भी दिखाई गई है जिसमें बाकायदा नाम के साथ सबको लगाया गया है कि कहाँ क्या है। आगे बढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र पूरा दिखाया गया है, उसका अमाशय है, ग्रास नली है, यकृत है, पित्ताशय है। इसके साथ मूसला जड़ के रूपांतरण भी दिखाए गए हैं, इसमें मूली, सलजम और गाजर को दिखाया गया है। साथ साथ और आगे बढ़ेंगे तो तालाबिक वास स्थान, कौन तालाब में रहता है, कौन कौन तालाब में रहता है वो भी यहाँ दिखाया गया है। काफी अच्छे से पूरा इसको व्यवस्थित ढंग से लगाया गया है। कहने को ये गांव का स्कूल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यह स्कूल किसी बाहर अच्छे शहर के स्कूल से कम नहीं है। काफी चीजें यहाँ पर लगाई गई है, वेस्ट मटेरियल से, आई थिंक ऊन और पुरानी चीजों से ये भी बनाया गया है। इसके साथ चार्ट पेपर पे एक मॉडल, बच्चों ने मॉडल बनाया है, साइंस से रिलेटेड मॉडल बनाया है बच्चों ने। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, वेस्ट मटेरियल से बच्चों ने बनाया है, काफी वेस्ट मटेरियल का यूज करके कितना सुंदर देखने में एक, इसको क्या बोलेंगे, डेकोरेशन टाइप का, ज्वालामुखी टाइप का या डेकोरेशन टाइप का आप रख सकते हैं, और दूसरे तरीके से इसके कई तरीके से अपन उपयोग कर सकते हैं, बच्चों ने ये भी बनाया है। और आगे देखेंगे इसके साथ साथ विज्ञान किट है, विज्ञान किट यहाँ पे देखने को मिल रही है, काफी सारा सामान इसके अंदर है। पेपर बैग बनाए हैं बच्चों ने ताकि ये पॉलीथिन यूज ना हो, पेपर बैग बनाए हैं। हाँ, आपको हम बता दें कि पॉलीथिन कितना हानिकारक है हम लोगों के लिए और हर जगह पॉलीथिन को बंद करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार आग्रह करती है और कोशिश करती है, कई जगह पॉलीथिन बंद भी हो चुकी है। इसके साथ इसको बच्चों ने कागज का उपयोग करके कितना सुंदर थैला बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, ताकि ये बच्चे उपयोग भी कर सके, इसमें सामान भी रख सके और पॉलीथिन का उपयोग भी ना करना पड़े। बाकायदा इसको डेकोरेट, इसको स्टीकर चिपकाकर इसको डेकोरेट भी किया गया है। साइंस किट, विज्ञान किट के सामने खड़े हुए हैं, विज्ञान किट है, इसमें विज्ञान से रिलेटेड हर सामान उपलब्ध है। कई तार इसमें दिख रहे हैं, फेविकॉल, स्टेपलर टाइप की काफी चीजें इसमें दिख रही हैं, परख नली वगैरह, बच्चों के उपयोग का सामान है ये, बच्चे इससे सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और विज्ञान के एक तकनीकी क्षेत्र है तो विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। स्कूल में हम स्मार्ट क्लास के बाहर मौजूद है, यहाँ पे शैक्षणिक रेल भी बनाई गई है, रेल के माध्यम से दिखाया गया है, स्मार्टनेस रेल के माध्यम से यहाँ दिखाई गई है। और देखिए आप, स्मार्ट क्लासरूम, एक गांव के विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम होना बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट क्लासरूम के अंदर चलेंगे और यहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि कैसी व्यवस्था है। आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार से LED लगाया गया है, व्यवस्थित किया गया है, कालीन डला हुआ है, साथ साथ कुर्सियां भी है बच्चों को दिखाने के लिए, बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। केवल इतना ही नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एक LED लगा दिया और काम हो गया, बाकायदा बच्चों को बैठने की व्यवस्था, कर्टेन लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं और व्यवस्थित ढंग से यह क्लास भी पूरा सजा हुआ है तरीके से। इधर भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, परिवर्तन ही सच्ची विद्या का अंतिम परिणाम है, दूसरों की सोच से अधिक कर दिखाना ही आपको असत्य सफलता है। सारे अच्छे अच्छे विचार यहाँ पर लिखे हुए हैं, बाकायदा आप यहाँ भी देख सकते हैं किस प्रकार से कुर्सियां डली हुई हैं, लगभग 20-30 कुर्सियां यहाँ पर डली हुई हैं बच्चों के बैठने के लिए, बच्चों की पठाकर का बच्चों की एक्टिविटी भी यहाँ दिखाई गई है, किस प्रकार से बच्चे एक मीनार टाइप के बनाए हुए हैं, कई बच्चों के ऊपर कई बच्चे चढ़ते, पिरामिड टाइप का यहाँ पर बनाए हुए हैं। ऐसा होगी तो यह कहना गलत नहीं होगा कि
बच्चे बेहद ऊपर जाएंगे और नाम रोशन करेंगे कि हाँ सरकारी स्कूलों में भी व्यवस्थाएं काफी अच्छी होती है, बशर्ते आपका शिक्षक अच्छा हो। विद्यालय की लाइब्रेरी के बाहर हम मौजूद हैं। लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, उससे पहले हम आपको दिखा दें किस प्रकार से एक और व्यवस्था यहाँ बच्चे के लिए राष्ट्रीय गान प्रार्थना वगैरह लिखी हुई है सारे बच्चों के लिए, कि सारे बच्चे जिनको याद नहीं है वे पढ़ सकें, याद कर सकें व्यवस्थित ढंग से लाइब्रेरी के अंदर। अब एक तो हम आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाएं, कितने क्रम से यहाँ जूते चप्पल लगे हुए हैं बच्चों के, किस तरीके से एकदम व्यवस्थित ढंग से, ये नहीं है कि किसी ने कहीं रख दिया किसी ने कहीं फेंक दिया, काफी अच्छे से पूरी कतार में चप्पल जूते बच्चों के रखे हुए हैं। लाइब्रेरी के अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे कि लाइब्रेरी में किस प्रकार से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितनी किताबें मौजूद हैं। लाइब्रेरी के अंदर हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लाइब्रेरी को 2-3 चीजों में कन्वर्ट किया गया है, एक मीना मंच और एक लाइब्रेरी और एक स्पोर्ट रूम के टाइप। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैरम बोर्ड आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ ड्रम भी रखा हुआ है, जब प्रेयर होती है प्रार्थना होती है या पीटी होती है, पीटी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम आपको बताएं कि पीटी हर विद्यालय में बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे, बच्चे तंदुरुस्त रहे स्वस्थ रहे, इसके लिए पीटी कराते हैं, एक योगा हो जाता है आपका पीटी में पूरा, ठीक है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि लाइब्रेरी के लिए यहाँ पे किताबें भी रखी हुई हैं, सारी किताबें यहाँ रखी हुई हैं और किस प्रकार से यहाँ बच्चे अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सब नाम की नहीं, यह काम की लाइब्रेरी है, सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी कितने अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। कैरम बोर्ड बच्चों के खेलने के लिए रखे हुए हैं, इसके साथ साथ एक मीना मंच हम स्कूल की प्रधानाचार्य से बात करेंगे और मीना के बारे में पूछेंगे कि मीना कौन है। नमस्ते मैम, मैं मीना क्या है, कौन है मीना? मीना एक काल्पनिक बालिका है जी, जिसके द्वारा बालिकाओं को ये समझाया जाता है कि किस तरह से मीना ने जो है कितना प्रयास करके कितनी कठिनाइयों से निकलने के बाद भी उसने जो है पढ़ाई नहीं छोड़ी, किस तरह से वो पढ़ाई करती रही। ऐसे ही गांव में जो है बालिकाओं को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि गाँव में क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि बालिकाएँ जो हैं बड़ी हो गई हैं, इनको बाहर नहीं भेजा जाए, इनको पढ़ने के लिए दूर ना भेजा जाए, और अधिकतर ऐसा होता है कि बालकों को तो भेज दिया जाता है स्कूल लेकिन बालिकाओं को नहीं भेजा जाता है। तो ये मीना मंच के थ्रू, मतलब मीना मंच कहलाता है लेकिन उसमें एक मीना बालिका है जिसके काल्पनिक है वो पूरी तरह से, उसके द्वारा उसकी छोटी छोटी कहानियां हैं जो कि देखिए इसमें भी है, जैसे जीवन रक्षा है, इसी तरह के पॉइंट्स बनाए गए हैं कई, जिससे जो है बालिकाओं को शिक्षा मिले, उनको बालिकाओं को समझ में आए। ये मीना ही है, उसका अच्छा। भाई रहता है तो उसके माता पिता पहले क्या है भाई को स्कूल भेजते थे, जैसे खाने के लिए बालिकाओं को कम दिया जाता है तो मतलब ये होता है कि अरे बालकों को तो बाहर जाना है उनको खाने को दो, इन सब चीज़ों को ये भ्रांतियाँ जो है सब दूर करने के लिए, बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए ये हमारा मीना मंच जो है हमारे तैयार। मैम मीना मंच जो है हर विद्यालय में है, हर जूनियर में है, हर प्राइमरी में भी कर दिया गया है 4th और 5th के लिए, ताकि उससे बच्चियां जो है आगे बढ़े। और आप ये देखिए कि हमारे विद्यालय में कई साल से ये रिकॉर्ड है कि बालिकाएं ही सबसे ज्यादा रहती हैं, अनुपात में बालकों से ज्यादा बालिकाएं रहती हैं, तो इसमें हमने देखा कि हमारे गाँव के माता पिता अभिभावक इस चीज से प्रोत्साहित हुए हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक मीना, एक काल्पनिक लड़की, एक कहानी बनाकर बच्चों को समझाया जाता है, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी समझाया जाता है कि जैसे मीना ने मेहनत की, मीना ने प्रयास किया, मीना ने लगन नहीं छोड़ी, मीना आगे बढ़ी, इस प्रकार से गांव की हर लड़की हर छात्रा आगे बढ़े, मीना की तरह ही वह नाम रोशन करे। बच्चे यहाँ मौजूद है लेकिन फिर भी बच्चे सर बोर्ड पे लगातार अपनी मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे भी देख सकते हैं कि कैसे एकदम रैंडमली हम यहाँ आ गए और बच्चे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कम बच्चे हैं लेकिन काफ़ी अच्छे से बैठे हैं, एक साइड बच्चों के बैग हैं, सारे बच्चे बोर्ड के निकट बैठे हुए हैं ताकि बच्चे अच्छे और व्यवस्थित ढंग से पढ़ सकें। कक्षा 2 के बच्चों को रंगों का ज्ञान, कलर की नॉलेज देने के लिए यहाँ एक पेड़ बनाया है, उसमें सारे कलर की मछलियाँ टाइप की बनाई हुई हैं, उनमें रंग भी भरे हुए हैं ताकि बच्चे हर कलर को समझ के पहचानना सीखें। इसमें पीला है, इसमें येलो लिखा हुआ है, हरा है, ऑरेंज है, सारे कलर भरे हुए हैं बाकायदा। बच्चों को सिखाने के लिए सिर्फ ये काम हुआ है कि बच्चे हर कलर को पहचानना सीखें, हर कलर का उन्हें ज्ञान हो, साथ साथ बच्चों को इन कलर्स की स्पेलिंग भी याद हो। शौचालय के बाहर हम मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से लिखा है, स्टाफ बालिकाओं के लिए है और यहाँ
के टीचर्स का कहना है कि ये पुराना शौचालय है, पुरानी बाथरूम में है, इसके साथ यहाँ पे नई बाथरूम भी बन गई है, लेकिन फिर भी पुरानी बाथरूम में भी हर सुविधा उपलब्ध है। बाहर से साफ सफाई है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से उस पुरानी बाथरूम को भी कितने व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। अभी भी कक्षा 5 के अंदर हम मौजूद हैं। कक्षा 5 में आपको दिखा सकते हैं कि कैसे बच्चों को इंग्लिश वर्ड सिखाने के लिए यहाँ लिखा गया है मैजिक वर्ड, जादुई शब्द बच्चों के लिए लिखे गए हैं, जिसमें एक्सक्यूज मी, मे आई, आई एम सॉरी, योर वेलकम, थैंक यू, प्लीज, जो ऐसे शब्द हैं जिनका हर जगह पर उपयोग होता है। किसी ने आपको कुछ दिया, किसी से आपको कुछ लेना है, इन शब्दों का ही प्रयोग सर्वप्रथम बच्चे करते हैं और बहुत जरूरी है। इनको इंग्लिश का बेसिक भी कह सकते हैं इन शब्दों को। तो ये बच्चों के लिए कैसे दीवारों पर लिखे गए हैं, कहते हैं ना कि सच्चा शिक्षक वही है जो जटिलता को सरलता में बदल दे। तो एक कठिनाई को, एक जटिलता को सरलता में बदलने के लिए बच्चों के लिए किस प्रकार से यहाँ व्यवस्था की गई है, इसके बाद हम आपको इस साइड भी दिखाएंगे कि कैसे सोलर सिस्टम को यहाँ पे पूरा दिखाया गया है, सौर मंडल है बच्चों के लिए बना गया है। कक्षा 5 में साइंस सब्जेक्ट में सोलर सिस्टम आ जाता है, तो वही बच्चों को सिखाने के लिए बच्चे सीखे आगे बढ़े, विज्ञान के क्षेत्र में आगे जाएं, स्कूल का नाम रोशन करें, इसके लिए काफी अच्छे सुव्यवस्थित ढंग से सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति सारे ग्रह यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम बच्चे से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या नाम है भैया? स्वतंत्र। कहाँ के हो? यही पटाखे हो? पटाखे। क्या पढ़ रहे हो? सम विषम संख्याएं। अच्छा, क्या क्या आता है ये याद है आपको? क्रम से, सोलर सिस्टम क्रम से याद है, सुना दीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। अच्छा, कौन है भारत का प्रधानमंत्री? कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 5 में पढ़ते हो, टिफिन विफिन मिलता है स्कूल में, खाना मिलता है? यस मैम। खाते हो? यस मैम। अच्छा मिलता है? अच्छा मिलता है। प्रार्थना होती है स्कूल में? यस मैम। चलो बढ़िया है, फिर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। हम किचन गार्डन के पास मौजूद हैं। एक स्कूल में किचन गार्डन होना मतलब नींबू, कटहल, मिर्ची, काफ़ी तरीके के यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, ताकि कभी कुछ नहीं आया, बच्चों के लिए असुविधा है, खाना नहीं बन पा रहा, तो कुछ सामान इससे ही लेके बच्चों के लिए कुछ बना दिया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ किचन गार्डन है। यहाँ के शिक्षकों का बताना है, कहना है कि यहाँ पे जो यहाँ के माली हैं उनका पूरा योगदान है, वो यहाँ पे 24 रसोइया है जो यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, उनका पूरा यहाँ पे योगदान है और वो काफ़ी सेवा करते हैं पेड़ पौधों के साथ। कहते हैं ना कि पेड़ पौधों को बच्चों की तरह पालना होता है। तो हम रसोइया जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरीके से वो ऐसा व्यवस्थित ढंग से रखते हैं। चाचा नमस्ते, क्या नाम है आपका? श्री मोतीलाल कुशवाहा। अच्छा मोतीलाल जी, तो कैसे आप मैनेज करते हैं, कैसे आप इतने अच्छे से पेड़ पौधों को लगाए हुए हैं? इनका छोटे छोटे पौधा हमने लगाए जी, इनको अपने हाथ से, इनको गोड़ा है, हाथ से पानी डाला है जी, इनको इतने बड़े बड़े कर लिया है इनको। अच्छा। इनकी सेवा दिनरात करते हैं हम। अच्छा। 24 घंटे यहीं रहते हैं। अच्छा। दिनरात इनकी सेवा में लगे रहते हैं। आप यहीं रहते हैं जी सर? और आपके परिवार कहाँ रहता है? परिवार भी घर पर भी रहता है, शाम के यहाँ आ जाते हैं। पठा के ही निवासी हो आप बेसिकली? बिल्कुल। स्कूल में आप मतलब घर समझ लिया है आपने विद्यालय को? हाँ, पूरी सेवा, पूरा योगदान आप यहाँ देते हैं। जी सर, जी सर, जी। काफी व्यवस्थित ढंग से जो पेड़ लगाना, व्यवस्था करने, सब आपका ही सेवा है जी। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी अच्छी यह बात है। आजकल पेड़ पौधों को लोग महत्व नहीं देते हैं, पेड़ पौधे लोग काटना पसंद करते हैं अपने घर बनाने के लिए, अपनी व्यवस्थाएं के लिए, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पेड़ों को महत्व दिया गया है। एक बुजुर्ग मोतीलाल जी है मौजूद थे, उन्होंने बताया कि वो उन्होंने विद्यालय को अपना घर समझ लिया है और किस प्रकार से छोटे छोटे पौधों को अपने हाथ से गोड़ कर लगाया हुआ है, जिसकी सफलता आप आज यहाँ पे देख रहे हैं। तो देखा आपने, यह है असल विद्यालय, इसे कहते हैं सरकारी विद्यालय। सरकार की हर सुविधा यहाँ उपलब्ध है। कुछ सुविधाएं जो सरकार के कारण यहाँ तक मौजूद नहीं होती, वह स्वयं प्रधानाचार्य मैडम प्रीति श्रीवास्तव जी ने अपने ढंग से, अपने तरीके से और अपने पैसे का उपयोग करके, अपने रुपए का उपयोग करके यहाँ पर हर एक चीज को व्यवस्थित ढंग दिया हुआ है। और कैसे इस प्रकार यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, आज काफी लड़कियां कम थी क्योंकि आज लड़कियों का अवकाश है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप यह देखिएगा कि कैसे यहाँ पर महिला टीचर का अवकाश होने के बावजूद भी यहाँ मैडम प्रधानाचार्य जी मौजूद थी। उनका कहना था कि हमारा स्कूल के बिना मन नहीं लगता, स्कूल में आना उनका सबसे बड़ा काम है। व्यवस्था देखिए आपने, खाना देखा किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर खाते हैं, हर एक चीज की, छोटी से छोटी चीज की यहाँ पे बहुत अच्छे से सुविधा करके इस स्कूल को समर्पण किया गया है, इस स्कूल को बनाया गया है।
अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके सामने।